हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सो आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। सो आप लोग देख रहे हो मेरा फेस बहुत डाउन सा है, लेकिन ठीक ठाक ही हूँ, बहुत अच्छी नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग में बता दूँ 9 बजे का, तो 9 बजे से पहले मैं क्या क्या कर चुकी थी वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो 9 बजे से पहले मैं कर चुकी थी नहाना धोना झाड़ू पोछा और क्या, और लोगों को स्कूल फेस किया और चाय सूजी ये सब हो गया। नहाना धोना मत एक्स वाई जेड जो रहता है सुबह सुबह, सारा काम पानी यानी फाड़ लिया मेरा। तो अब बचा है खाना, तो मैं खाना बनाऊंगी। तो एक दो थाली मैंने सूजी बनाया था, और डुगू के लिए लंच में सूजी बनाया। डुगू का बहुत मन था सूजी खाने का, तो मैंने दो थाली सूजी बनाया था। एक थाली खा चुके हैं सब लोग और एक थाली बचा है, तो उसकी भी मैं कतरी बना के रख रही थी। डुगू को कतरी वाला सूजी बहुत ज़्यादा पसंद है, और जो मतलब वो बना के और टिफिन में रखते हो तो वो जम जाता है, खट्टा हो जाता है, तो उसको वो पसंद नहीं आता, स्कूल में अजीब टाइप का भी लगता है, इसलिए मैं डुगू के लिए कतरी वाला बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा मूड ऑफ क्यों है वो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। मेरा मूड इसलिए ऑफ है क्योंकि मुझे सुबह ही सुबह इतना जल्दी नहाना पड़ता है, और ठंड आ गई, आप लोगों को पता है 2-4 दिन से कितनी ज़्यादा सर्दी हो गई, हवा चल रही है, और मुझे सुबह ही सुबह नहाना पड़ता है, और बगैर नहाए कोई चाय भी नहीं, चाय बना दो तो चाय भी नहीं पीता है, और ना वो लोग पीते, वो तो सब लोग पता नहीं, मम्मी पापा पता नहीं इतनी जल्दी कैसे नहा लेते हैं, बूढ़े हो गए फिर भी, और मुझसे तो भाई नहाया नहीं जाता। सुबह सुबह नहा लेती हूँ डेली, तो पता है सर खराब हो जाता है मेरा सुबह ही सुबह, सो के उठो काम में लगो और नहा लो, तो उसी वजह से मेरा मूड ऑफ है। ऊपर से मेरे पास हल्का पुल्ला कोई स्वेटर नहीं है, इतने मोटे मोटे स्वेटर रखे हैं सर्दियों में लिए थे, तो वो ज़्यादा ही मोटे स्वेटर हैं, तो उनको पहन नहीं पाती, काम वाम करती हूँ, तो हल्के पुल्ले जैकेट वगैरह वो मुझे मंगानी है। तो अभी तो मैंने मंगाया नहीं, अभी तो ऑर्डर भी नहीं किया है, तो एक दिन मुझे पसंद करने में लगेगा, दूसरे दिन ऑर्डर करूँगी कहीं जाके, तो और 5 से 6 दिन आने में लग जाएंगे, तो 7-8 दिन नॉर्मल समझो, तो 7-8 दिन बाद मेरा स्वेटर आ जाएगा, मतलब जैकेट वगैरह जो भी मंगाऊंगी, हल्का सा ही छोटा, मतलब वैसा मंगाऊंगी जो काम वाम करते में कंफर्टेबल लगे। तो ये स्वेटर है मेरा बहुत हैवी हैवी, तो उनको तो मैं पहनूंगी नहीं, ज़्यादा सर्दी हो जाएगी तभी देखूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं अपना थोड़ा सा मेकअप वेकअप कर आई, और ज़्यादा मेकअप नहीं, बस ये बिंदी लिपस्टिक जब रहता है, आज मैंने थोड़ा ज़्यादा डार्क लिपस्टिक लगा लिया, सिंदूर भी ज़्यादा लगा लिया है, और आज तो वैसे लगाना नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी लगा लिया, क्योंकि हस्बैंड से थोड़ा सा और नाइट में थोड़ा सा बहसबाजी हो गई थी, और मैंने मतलब मैं जैसे मतलब बहसबाजी हुई तो मैं उठ के चल गई रूम से, मैंने कहा मैं तो दूसरे रूम में बैठूंगी, वहीं लेटूंगी, मैं नहीं इस वाले रूम में, तुम लेट हो तुम और डुबू, तो मैं एकदम से उठी तो मेरी चूड़ी फूट गई, तो अभी तक चूड़ी भी नहीं मैंने मंगाई है, अब वही लेकर आएंगे तभी मैं चूड़ी पहनूंगी, ऐसे तो वो ला ही देते हैं हर बार, तो इस बार भी ला देंगे, बट मैं नहीं बोलूँगी, अपने आप लाएंगे तो ही पहनूंगी, मैं नहीं मंगाने वाली। तो ये देखिएगा, मैं आ गई, एक गोभी गोभी की सब्जी बनाऊंगी, तो एक गोभी ले आई छत पर, और मैं धूप में बैठ के काटती, सर्दी लगती है नीचे, तो नीचे नहीं ठठुरते रहो, तो मैंने सोचा ऊपर ही काट लेती हूँ। तो लहसुन प्याज जो भी है सब चीज़ मैं यहाँ से कंप्लीट करके ले जाऊँगी छीन छान के, और नीचे जाके सब्जी छोकूँगी, तो आज सब्जी बनाऊँगी बस। तो मैं सारा मतलब ये सब्जी अभी काट के नीचे ले आई, और मैं आगे किचन में, तो मैं आज सब्जी बनाऊँगी बस, मैं रोटियाँ नहीं बनाऊँगी, मुझे कहीं जाना है, तो मैं ऐसे एक सब्जी बना के निकल जाऊँगी, खाना आके खाऊँगी, तो खाना सासू माँ वगैरह बना देगी, तो मैं सब्जी बन रही है मेरी गोभी की, और मैंने आज प्याज भी लहसुन भी नहीं पीसा है, कुछ भी नहीं, मैंने ग्रेवी वाली नहीं बना रही है आज, ऐसे ही जो घर वालों को पसंद आती है सासू माँ वगैरह को, उसी टाइप की सब्जी बना रही हूँ, तो आप लोग देख रहे हो उनको रेड वाली सब्जी पसंद है, येलो वाली नहीं, तो ये मैं सब्जी बना रही हूँ गोभी की, और आप लोगों को खानी है तो मेरे घर आ जाना।
हे गाइस, तो मैंने सब्जी छोक दी है और बस मैं इसमें बटर डाल के अपना रेडी एडी होती हूँ। और आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर देना। तो ये गोभी है, गोभी मेरे ये फ्राई हो रही है। फ्राई होने के बाद मैं पानी डाल दूंगी इसमें, तो आप लोग देख लीजिए गोभी की सब्जी मैंने कैसे बनाई थी। और टमाटर मैं बाद में ऐड करूंगी। तो आई होप ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया, पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना। तो यहीं एंड करते इस ब्लॉग को। टाटा बाय बाय।